Assalamualaikum and hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। माई नेम इज़ मरवा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डिनर रोल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे, फ्लफ़ी बनेंगे लाइक कॉटन। बहुत ही ईजी रेसिपी है, फुल प्रूफ रेसिपी है। इसको आप लोग पाव ब्रेड भी कहते हैं, स्लाइडर्स भी कहते हैं। पाव भाजी के साथ ये सर्व होते हैं, इसके बहुत सारे स्लाइडर्स भी बनते हैं। तो फटाफट से आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक बाउल में ऐड कर देंगे मैदा, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर। मैदा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मेक श्योर आपकी सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर हों। मिल्क पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर मैंने ऐड किया है इंस्टेंट ईस्ट। इसके साथ साथ इसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट और शुगर। इंस्टेंट ईस्ट कोई भी गुड क्वालिटी का आपको लेना है, मैं किसी दिन आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। इंस्टेंट ईस्ट है ये, इसलिए इसको पहले से एक्टिव करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि गर्म पानी में डाल के वो वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। किसी दिन वो वाला स्टेप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी मैं कि वो कैसे किया जाता है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, कोई सा भी आपके घर में ऑयल हो वो इसे यूज़ कर लें। और इसमें जाएगा जी एक अंडा। अंडे को मैंने बीट कर लिया और एक टेबलस्पून मैं बचा रही हूँ, ताकि मुझे एक लैदा से अंडा जो है वो विस्क ना करना पड़े, क्योंकि मुझे इन द एंड पे ब्रश करना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और मैंने एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से जो है ये डो बनानी है। और स्पाइरल वाला जो अटैचमेंट होता है वो वाला आप लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि वो डो वगैरह के लिए होता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ मिल्क, वार्म मिल्क, यानी कि आपको नीम गर्म दूध इसके अंदर यूज़ करना है। दूध से नहीं गूंदना तो आप लोग पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू यूज़ मिल्क। मेक श्योर कि दूध जो है वो नीम गर्म ही होना चाहिए। मैं जब भी कोई भी डो बनाती हूँ, पिज़्ज़ा डो हो, किसी भी किस्म की कोई भी डो हो, मैं यही वाला इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करती हूँ और इसका स्पाइरल वाला अटैचमेंट यूज़ करती हूँ। ये डो वगैरह के लिए होता है, ईजी हो जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। वरना आप लोग हाथ से भी गूंद सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग हो जाएगा काम। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें दूध, क्योंकि एकदम से दूध ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप मैदा डालेंगे तो वो सही नहीं रहेगा काम। तो आप लोगों को एहतियात से करना है, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और चीज़ें भी आप लोगों की ख़राब ना हो। थोड़ा थोड़ा ऐड करें दूध और आप लोग देखते जाएंगे कि इस तरह से डो फॉर्म होना शुरू हो चुका है। पहले भी मैं आप लोगों के साथ डो की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, बड़ी ही डिटेल से मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि डो मैं कैसे बनाती हूँ। इस वक्त आप लोगों को लग रहा होगा कि डो में या तो दूध ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टिकी है। इट हैज़ टू बी लाइक दिस। जो भी डो होती है पिज़्ज़ा वगैरह की या पाव वगैरह की, डिनर रोल्स की, स्लाइडर्स की, उसकी डो इस तरह से स्टिकी होनी चाहिए। और आप लोगों को उसको एक से दो मिनट बीटर की मदद से इस तरह से गूंदना होता है, ताकि वो फ्लफ़ी सी हो जाए। मेरा ये तरीका है, मैं इसी तरह से गूंदती हूँ, इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर है तो एक दफ़ा ज़रूर इस स्टाइल से आप लोग डो तैयार करके मुझे ज़रूर बताना कि इसका रिज़ल्ट आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉफ्टेंड बटर, यानी कि नरम बटर, जो कि अनसॉल्टेड है। आप लोग सॉल्टेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी मैंने इस डो के अंदर शामिल कर लिया और मिक्स कर लिया। अब हल्का सा मैंने जो है फ्लावर, यानी कि मैदा लगाया है, ताकि मैं डो को स्पाइरल अटैचमेंट से बीटर से उतार सकूं। तो इस डो को अब मैंने एक सरफेस पे निकाल लिया है। और अब मैं क्या करूंगी, इस डो को मैं करूंगी, एक हाथ में मैंने स्क्रेपर भी रखा हुआ है, स्ट्रेच करूंगी डो को इस तरह से। अच्छी तरह से आप लोगों को डो को स्ट्रेच करना है, ताकि हम इसका ग्लूटेन जो है उसको एक्टिव कर सकें। इससे आपकी डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, 10 times बेटर उसके रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने डो को इस तरह से करना है। इवेंचुअली आप लोग देखेंगे डो खुद ब खुद इकट्ठी होना शुरू हो चुकी होगी। डो को हल्का सा मैंने ग्रीस किया है हाथों को, ताकि डो मैं उठा सकूं। अब मैं इसे ग्रीस बाउल में डाल रही हूँ डो को, और अब मैं इसको राइज़ होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि सर्दियां हैं तो मुझे 1.5 घंटे लग गया था इसको राइज़ करने में। गर्म जगह पे रखें, ताकि आप लोगों का जो ये प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके। तो डो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर हल्का सा मैंने हाथ भी लगा दिया है ऑयल का, ताकि स्किन सी ना बने। और अब हम इसको राइज़ करने रख देंगे फॉर 1 आवर। 1 घंटा तो लग जाएगा इसको राइज़ होने के लिए। अच्छी तरह से राइज़ करनी है आप लोगों ने। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डो काफ़ी अच्छी राइज़ हो चुकी है, डबल हो चुकी है साइज़ में। तो मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। गर्म जगह पे इसको प्लीज़ आप लोगों ने रखना है।
और अब इस रो को मैं कर रही हूँ पंच डाउन। पंच डाउन करने के बाद अब इसको एक से दो मिनट इस तरह से ज़रूर नीट कर लीजिएगा ताकि जो सारी जो एयर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है वो सारी निकल आए। डो से मैंने अच्छी तरह से अब सारी एयर निकाल ली है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं सरफेस पे हल्का सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लूँगी और डो को मैं इस पर निकाल लूँगी। बेसिकली मुझे इसके इक्वल साइज़ के बॉल्स चाहिए, तो डो को मैं लंबाई में इस तरह से पहले एक लॉग सी इसको मैं शेप दे दूँगी और फिर मुझे इसके इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाने हैं। इस क्वांटिटी से, इस डो से आप लोगों के 9 इक्वल साइज़ के जो बॉल्स हैं वो बनने चाहिए। यहाँ पे मैंने अब डो को जो है 9 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है और अब एक मैंने पैन लिया है, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से ग्रीस करना है आप लोगों ने, अगर आप लोग ग्रीस नहीं करेंगे तो ये आपकी जो डो है ये चिपक जाएगी और फिर ख़राब हो जाएगा, आप उसको निकाल ही नहीं सकेंगे पैन से। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने ग्रीस करना है, चाहें तो बटर पेपर लगा ले, मैंने नहीं लगाया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो डो के हम लोगों ने पोर्शंस बनाए थे उसको आप लोगों ने शेप करना है बॉल की शक्ल में और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने शेप करना है। मेक श्योर कोई क्रैक्स ना हो, जहाँ पे आपको लगे क्रैक्स हैं वहाँ पे हल्का सा पिंच कर दें और क्रैक्स फ्री आपकी जो है वो डो बॉल होनी चाहिए। और इस तरह से आप लोग इसको रखते जाएं अपने ग्रीस बेकिंग पैन में। और मैंने 9 मैंने बॉल्स बनाए हैं और इस डो के लिए ये वाला जो पैन साइज़ है बिल्कुल सूटेबल है। तो इसी तरह से मैं सारे जो बॉल्स बना लूँगी और इसको मैं रखती जाऊँगी। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, आपकी डो सॉफ्ट होगी तो ही एंड रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आप लोगों को, फिर ही आपके स्लाइडर्स, आपके डिनर रोल्स, आपकी पाफ ब्रेड सॉफ्ट बनेंगी। इस तरह से सारे मैं बॉल्स बनाती जा रही हूँ और मैं इसको रखती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। 9 मैंने बॉल्स बना के एक पैन में रख दिए हैं। अब इसको मुझे दोबारा से राइस करना है, सेकंड प्रूफिंग देनी है। सेकंड प्रूफिंग के बाद कुछ इस तरह से ये हो जाएंगे, तो बेसिकली यही हमें चाहिए। और जब ये अच्छी तरह से सेकंड प्रूफिंग इसकी हो जाएगी, अच्छी तरह से दोबारा से राइज हो जाएंगे, तो जो अंडा हम लोगों ने बचाया था, 1 टेबलस्पून बीटन एग जो हम लोगों ने बचाया था, बहुत ही हल्के हाथ से आप लोगों ने ब्रश करना है, बहुत ही हल्का आप लोगों ने हाथ रखना है क्योंकि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, तो आप लोगों ने एयर को डिस्टर्ब नहीं करना। बहुत ही हल्के हाथ से इस पर आपने एग वॉश करना है, चाहें तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर लें। और अब मैं इसको बेक करूंगी 200 डिग्रीज पे, 20 से 22 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। और ये देखें जनाब, आपकी पाफ ब्रेड, डिनर रोल, स्लाइडर्स, वट एवर तैयार हो गए हैं। कितने सॉफ्ट हैं। अभी ये हल्के से वार्म हैं, तो गरम गरम पे आप हल्का सा जो है ऑयल ब्रश कर दें, इससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइन सी इन पर आ जाएगी। गरम गरम को नहीं निकालिएगा प्लीज़। जब ठंडा हो जाए तो साइड्स अच्छी तरह से आप लोगों ने पहले इस तरह से लूज़ करनी है, उसके बाद आप इसको ओवर टर्न करें। और ये देखें आपकी पाफ ब्रेड, स्लाइडर्स, डिनर रोल्स कितने खूबसूरत। और ये देखें, मैं आप लोगों को प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखें मैं इसको दुबा रही हूँ तो ये बाउंस बैक हो रहा है और इतना सॉफ्ट बना है। ये देखें ज़रा कितना सॉफ्ट बना है, फ्लफ़ी बने हैं। ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने इस रेसिपी को, मुझे बताना है कैसी लगी आज की रेसिपी। और लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो, उसके लिए ढेर सारा थैंक यू। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अपना रखिएगा ख्याल। फिर मिलते हैं आप लोगों से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी दुआएं एंड अल्लाह हाफिज़।